दोस्ताना ताल्लुकात पर फख्र है, सिपा सालार। पाकिस्तान की जगह कोई दूसरा मुल्क नहीं ले सकता, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात का दो टोक पैगाम, रिश्ता मजीद मजबूत करने आए हैं। दोनों वुज़राए खारजा ने कश्मीर के मामले पर खुलकर मौके पेश किया। वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज की जबानी। सल्तनत ओमान की मजलिस शोरा के वक्त की वजीर खारजा और वजीर आजम से मुलाकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। गासिब भारतीय फोर्सेस मासूम कश्मीरियों को बदतरीन जुल्म का निशाना बना रही है, इमरान खान। मकबूजा वादी में कर्फ्यू का 32वां रोज, मुसलसल जबरी पाबंदियों के बावजूद अजम जवान। जगह जगह एहतजाज, काबिज भारतीय फोर्सेस की पकड़ धकड़ जारी। मजलूम कश्मीरी जेलों में बंद अपने प्यारों की खैरियत से कश्मीर के की समस्या को या आर्टिकल 370 हटाने के बाद के पूरे हालात को मीडिया ने किस तरह कवर किया, आप यकीन जानिए कि जब इस पूरे दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ज़रूर काले अक्षरों में भारतीय मीडिया, खासकर टेलीविजन मीडिया का नाम लिखा जाएगा। Since the 5th of August, millions of people are suffering human rights. Yes, you may take exception, but you have to listen to me, then you can respond. Hundreds and thousands are blind. Then India has violated all international resolutions in respecting human rights. बगदाद के ऐवानों में भी मसला कश्मीर की गूंज। एशियाई पार्लियामानी कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहियत बेनकाब करने पर इंडियन वफ्त आग बगोला। हंगामे के बावजूद बैरिस्टर सैफ की मुकम्मल और जामे तकरीर। तुर्की कुवैत की पाकिस्तानी मौकिफ की ताई। कश्मीरियों के मौकिफ का दिफा, पाकिस्तान मजबूत करने के मुतरादिफ। यौमे दिफा बहादुरों से सारी यकजहती के तौर पर मनाएंगे। पाकिस्तान मजलूमों के साथ डट कर खड़ा है, फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। यौमे दिफा भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां। पिशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल, जंगी आलात की नुमाइश, बरी बहरी फजाया और पुलिस के स्टॉल्स लग गए। भारत का यात्रियों से सर्विस फीस ना लेने और प्रोटोकॉल ऑफिशियल्स तैनात करने का मुतालिबा। खुसूसी मौके पर मजीद 10,000 यात्रियों को आने की इजाजत देने पर जोर। करतारपुर राहदारी माहदे का मुसवदा फाइनल ना होने की वजूहात सामने आ गई। MTI एक्ट का मतलब निजकारी नहीं, अस्पतालों के इस्लाहाती मंसूबे का हिस्सा। तमाम अस्पताल सरकारी ही रहेंगे। बेहतर इंतजामात का मतलब मरीजों को बेहतर सहूलियात की फराहमी है, वजीर आजम का ट्वीट। MTI एक्ट पहले मरहले में 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में नाफिज। कानून के तहत तनख्वाहों में इजाफा और रिटायरमेंट के बाद तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी। इस्लाहात से अस्पतालों के निजाम में बेहतरी आएगी, वजीर आला उस्मान बुज़दार। पार्क लेन, जाली बैंक अकाउंट्स और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। पीछे हटो इडियट, बहन आ रही है। आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी एहलकार को छड़ी से हटा दिया। आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर के लिए खुद रास्ता बनाते रहे। आसिफ जरदारी की तबीयत खराब, मिलने नहीं दिया जा रहा। जिनका ट्रायल सिंध में होना चाहिए था, इस्लामाबाद में हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या पैगाम दिया जा रहा है, सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिया सामियों और भर्तियों से मुतालिक तफसीलात ना भिजवाने पर सख्त एक्शन। वजीर आजम ऑफिस ने 27 वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया। रिपोर्ट जमा कराने के लिए 9 सितंबर हतमी डेडलाइन। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग, मतलूब मुलजिम शुएब कमर 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान के अकाउंट में भारी रकम ट्रांसफर की गई, नैब प्रोसिक्यूटर।
कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल, 3 मुलजिमान को उम्र कैद, 5 मुलजिम नाकाफी सबूत की बिना पर रहा। जिला बशांत की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट का फैसला कल अदम, सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल केस का मुलजिम सैफुल्ला बरी कर दिया। मकतूल का बाप ही मुदई बन गया, सच्ची गवाही नहीं दी, हल्फ उठाकर मौके पर मौजूद होने का झूठ बोला। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सोसाइटी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड का केस, कब्रिस्तान और फुटपाथ तक फरोख्त। कराची में सब बेच दो की पॉलिसी चल रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मुलजिमान के खिलाफ 25 सितंबर तक इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। जायदाद के लिए अपनों का खून, कराची के इलाके कोरंगी से 22 साल नौजवान की लाश मिलने का मामला हल हो गया। छोटा भाई विरासती मकान की फरोख्त में रुकावट बना हुआ था, बात न मानने पर कत्ल कर दिया। मुलजिम का एतराफ, 2 साथी गिरफ्तार। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में फार्मेसी में डकैती मजाहमत पर शहरी कत्ल, 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू लाखों रुपए लूटकर 9-2-11। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक होने वाले सलाहुद्दीन की एक और वीडियो मंजरेआम पर मुलजिम ने एक बैंक से एटीएम का कार्ड चुराया, दूसरे से 20,000 निकलवाए, लोगों से इशारों में बातें करता रहा। अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को झटका, अमरीकी वजीर खारजा का तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार। माइक पॉम्पियो को मुआहदे पर शदीद तहफुजात हैं, अमरीकी मीडिया। हम मुलाकात का आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वुज़राए खारजा ने मुलाकात की है। बरादर ममालिक के वुज़राए खारजा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आइनी इकदाम के खिलाफ वो पाकिस्तान के साथ खड़े। खारजा की सिपा सरार को पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी। वजीर आजम इमरान खान से ओमान की पार्लियामेंट के वफद की मुलाकात हुई है। वजीर आजम ने ओमान के वफद को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम से आगाह किया है। भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को बदतरीन मजालिम का निशाना बना रही हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने यह गुफ्तगू की है। पाकिस्तान और ओमान के दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का भी इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान जिनसे ओमान की पार्लियामेंट के वफद की मुलाकात हुई है, वजीर आजम ने ओमानी वफद को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम से आगाह किया। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को बदतरीन मजालिम का निशाना बना रही है। पाकिस्तान और ओमान के दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का भी इजहार किया है। अहम मुलाकात हुई है वजीर आजम इमरान खान और ओमान की पार्लियामेंट के वफद के दरमियान, जिसमें वजीर आजम ने ओमानी वफद को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम से आगाह किया है। और बगदाद के ऐवानों में भी मसला कश्मीर की गूंज, एशियाई पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहियत बेनकाब करने पर इंडियन वफ्द आग बगोला हो गया। बैरिस्टर सैफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया गया, हंगामे के बावजूद बैरिस्टर सैफ ने अपनी बात मुकम्मल की। इस दौरान तुर्की और कुवैत ने पाकिस्तानी मौकिफ की तायद की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वुज़राए खारजा ने मुलाकात की है। बरादर ममालिक के वुज़राए खारजा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आइनी इकदाम के खिलाफ वो पाकिस्तान के साथ खड़े। खारजा की सिपा सरार को पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी। वजीर आजम इमरान खान से ओमान की पार्लियामेंट के वफद की मुलाकात हुई है। वजीर आजम ने ओमान के वफद को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम से आगाह किया है। भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को बदतरीन मजालिम का निशाना बना रही हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने यह गुफ्तगू की है। पाकिस्तान और ओमान के दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का भी इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान जिनसे ओमान की पार्लियामेंट के वफद की मुलाकात हुई है, वजीर आजम ने ओमानी वफद को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम से आगाह किया। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को बदतरीन मजालिम का निशाना बना रही है। पाकिस्तान और ओमान के दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का भी इजहार किया है। अहम मुलाकात हुई है वजीर आजम इमरान खान और ओमान की पार्लियामेंट के वफद के दरमियान, जिसमें वजीर आजम ने ओमानी वफद को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम से आगाह किया है।
और बगदाद के ऐवानों में भी मसला कश्मीर की गूंज। एशियाई पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहियत बेनकाब करने पर इंडियन वफ्द आग बगोला हो गया। बैरिस्टर सैफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया गया, हंगामे के बावजूद बैरिस्टर सैफ ने अपनी बात मुकम्मल की। इस दौरान तुर्की और कुवैत ने पाकिस्तानी मौकिफ की तायद की।